हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। साउंड चैप्टर के सिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग साउंड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो सबसोनिक साउंड वेव वैसा साउंड वेव होता है जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज हो। मतलब दोज टाइप ऑफ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज इज कॉल्ड सबसोनिक साउंड वेव। सिमिलरली सोनिक साउंड वेव, द साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज इज कॉल्ड सोनिक साउंड। जब साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में हो तो वो सोनिक साउंड कहलाता है, और इसी साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। यही रेंज ऑफ साउंड हम लोग को सुनाई देता है। अगला है, दोज टाइप ऑफ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ये प्रोड्यूस करता है जैसे एयरक्राफ्ट, रॉकेट एट टेक ऑफ, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। नीचे नोट में लिखा हुआ है, द साउंड हैविंग रेंज 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज इज ऑडिबल रेंज। वैसा साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ज हो वो ऑडिबल रेंज कहलाता है, उसी को हम लोग सुन पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड बिकॉज आवर एयर ड्रम इज़ नॉट कैपेबल टू हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। सर्टन एनिमल्स सच एज डॉग, लेपर्ड्स, मंकी कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रिक्वेंसी हाई होने के कारण जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो कैपेबल नहीं होता है अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने के। तो ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड, वो डॉग्स, लेपर्ड्स एंड मंकीज टाइप एनिमल्स सुन पाते हैं, या फिर डॉल्फिन भी, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं। तो वैसा साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज हो सबसोनिक साउंड कहलाता है। वो साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ज हो वो सोनिक साउंड कहलाएगा। और अल्ट्रासोनिक साउंड वैसा साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर हो वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाएगा। ओके, तो थोड़ा भाषण का टाइम। तो हम लोग जब ह्यूमन आई पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड आया था, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जो हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन आई जो होता है, एक कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुम देख रहे हो तो उसका इमेज रेटिना पे 1/6 सेकेंड का 1/6 पार्ट तक रहता है, जिसे परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है कि हम लोग कोई साउंड सुनते हैं तो ऑडिटरी नर्व, साउंड को सुनने के लिए मतलब ह्यूमन ईयर से, हमारे कान से एक नर्व माइंड तक ले जाता है साउंड वेव को, जिसे ऑडिटरी नर्व कहा जाता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो ऑडिटरी नर्व किसी साउंड को अगर हम लोग सुन रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो 0.1 सेकेंड तक रहता है हमारे माइंड में। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। वहाँ पे था परसिस्टेंट ऑफ विजन, यहाँ पे है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ओके, अब थोड़ा इको के बारे में बात कर लेते हैं। इको क्या होता है? व्हेन साउंड रिटर्न बैक टुवर्ड्स द सोर्स आफ्टर सफिशेंट रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, वो जब ट्रेवल करता है तो उसका भी जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। फ्रॉम डिफरेंट ऑब्स्टेकल, अलग अलग टाइप के ऑब्स्टेकल से, ऑब्स्टेकल मतलब वो जिसके थ्रू टकरा के साउंड वेव रिटर्न आ जाए तो वो ऑब्स्टेकल कहलाता है। डिफरेंट ऑब्स्टेकल लाइक वॉल या फिर हिल इज कॉल्ड इको। तो जब साउंड वेव रिटर्न हो जाता है टुवर्ड्स जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ फिर से, आफ्टर सफिशेंट रिफ्लेक्शन, वो जितना उसको रिफ्लेक्ट होना है उतना, और वो फिर से जहाँ पे और जो टकराता है उसको ऑब्स्टेकल कहा जाता है। और ये जो फेनोमेना होता है रिटर्निंग ऑफ साउंड वेव, जहाँ से शुरुआत हुआ उसी जगह पे, जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसी जगह तक, मतलब अगर कोई साउंड हम यहाँ से प्रोड्यूस किए, मूवीज़ में देखे होंगे कि एक साउंड अगर आप बोले तो वो रिटर्न आता है, वो उसी को इको कहा जाता है। तो वो जो फेनोमेना होता है वो इको कहलाता है। अब आगे है, इन ऑर्डर टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, अलग अलग टाइप के इको को सुनने के लिए, इट इज़ नेसेसरी दैट
इको रीच आवर एयर आफ्टर सफिशेंट टाइम, तो ये नेसेसरी है, ये वाला कंडीशन नेसेसरी है कि वो इको एक सफिशेंट टाइम के बाद रिटर्न आना चाहिए, सो दैट आवर ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मतलब जो ओरिजिनल साउंड हम लोग प्रोड्यूस किए थे और जो इको रिटर्न आया उसको हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश कर सके कि ओरिजिनल कौन है और इको कौन है। दिस टाइम गैप शुड बी 0.1 सेकेंड। तो ये जो टाइम गैप होना चाहिए जो ओरिजिनल साउंड का प्रोड्यूस होने का और इको रिटर्न आने का, वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। दिस इज बिकॉज द इम्प्रेशन ऑफ एनी साउंड रिमेन्स इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। तो हम कोई साउंड सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन में उसका इम्प्रेशन 0.1 सेकेंड तक होता है। दिस इज कॉल्ड, या फिर दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ये जो 0.1 सेकेंड तक किसी साउंड को सुनने के बाद उसका इम्प्रेशन रहना हमारे माइंड में, ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहलाता है। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन टाइम। अब देखिए, ये जो मिरर टाइप दिख रहा है वो ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल मतलब जिससे साउंड टकरा के आता है। इफ़ इको टेक्स 0.1 सेकेंड टू रीच द लिसनर, अगर इको को हम लोग पढ़ें अभी कि 0.1 सेकेंड लगे किसी लिसनर तक पहुंचने में, देन टाइम टेकन बाय साउंड फ्रॉम ए टू बी, ए मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बी जहाँ पे ऑब्स्टिकल लगा हुआ है, ऑब्स्टिकल मतलब जहाँ से रिटर्न इको आएगा, तो वो है 0.1 सेकेंड, दोनों के बीच का टाइम टेकन। तो एक साइड से सोर्स से इको तक पहुंचने में टाइम को मतलब कितना टाइम लगेगा। ओके, तो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल फॉर इको, ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रखें जहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहाँ ऑब्स्टिकल रखना है, मतलब जहाँ से रिफ्लेक्ट होके साउंड फिर से रिटर्न आएगा इको के फॉर्म में, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल विल बी टेकन एज डी, तो वो डी लिया गया है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये 344 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फॉर इको कंडीशन, इको कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि टाइम मस्ट बी लेस देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं 0.1 सेकेंड मतलब ए से बी और बी से फिर से रिटर्न ए आने में 0.1 सेकेंड लगना चाहिए, क्योंकि इको प्रोड्यूस होने में 0.1 सेकेंड लगता है। उससे कम में अगर कोई साउंड वेव रिटर्न आ गया तो वो इको प्रोड्यूस करेगा। एज वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, कोई साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है ए से बी मतलब डी डिस्टेंस, और बी से फिर ए मतलब डी डिस्टेंस मतलब 2D डिस्टेंस। तो स्पीड के जगह पे 344 रखें, डिस्टेंस के जगह 2D लगाएं, और टाइम टेकन के जगह 0.1 रखें, क्योंकि इको का ये कंडीशन है कि 0.1 सेकेंड वो लेता है। टाइम टेकन को एक साइड ले गए मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2D इक्वल्स टू 344 इंटू 0.1 आया। फाइनली जब इसको सॉल्व किए, 2 से जब हम डी निकाल रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उस केस में डी आया 17.2 मीटर। मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल फॉर इको शुड बी 17.2 मीटर। तो जहाँ से सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ से साउंड, और जहाँ से रिटर्न बैक आ रहा है साउंड, वो 17.2 उसका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 17.2 मीटर रखें तभी वो इको प्रोड्यूस करेगा, इको मतलब फिर से साउंड आपका रिटर्न आएगा। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल फॉर इको। होप ये वीडियो समझ में आया होगा, इको क्या होता है वो समझ में आया होगा। इको इन जनरल आप मूवीज़ में देखे हैं कि साउंड रिटर्न आता है, जो हिल्स पे हीरो जब चिल्लाता है तो जो साउंड रिटर्न आता है वो इको कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।